There are some media reports today that religion-based mapping is being done. Is there any truth, Mr. Agrawal, in this? सर ऐसी कोई भी न्यूज है वह नितांत अनुचित है. इट इज ए वेरी इरेस्पॉन्सिबल न्यूज. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि कोई भी फेक न्यूज पब्लिश ना की जाए, प्रॉपरली फैक्ट्स चेक करते हुए न्यूज को पब्लिश किया जाए. कोई भी भ्रम, भय और आशंका किसी को नहीं फैलानी है. आज तो और भी जरूरत है कि समाज में हम सबको जोड़कर आगे चलें. तो इसलिए मैं अपील करूंगा कि इस टाइप की कोई भी न्यूज, कोई भी नॉन फैक्चुअल न्यूज, कृपा करके उसको ना बढ़ावा दें, उसको ना फैलने दें. साथ में हमें यह समझना जरूरी है कि यह बीमारी किसी भी धर्म को, किसी भी रेस को, किसी भी एरिया को देखकर नहीं आती. यह बीमारी तभी आएगी जब हम कोई लापरवाही करते हैं, डूज एंड डोंट्स का फॉलो नहीं करते हैं, तभी हमें बीमारी लगेगी. हमारे लिए जरूरी है कि हम मीडिया के थ्रू कम्युनिटी से बात करें, सबसे बात करके उनको समझाएं कि क्या डूज एंड डोंट्स फॉलो करने हैं. कल समुद्र सेतु मिशन के तहत INS जलाश मालदीव से कोची पहुंच चुका है. इसमें 698 यात्री थे, जिनमें 105 महिलाएं और 4 बच्चे भी शामिल थे. इसी क्रम में INS मगर मालदीव के माले बंदरगाह से लगभग 200 यात्रियों के साथ कल भारत के लिए रवाना हो चुका है. वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 10 मई तक 23 फ्लाइट्स द्वारा लगभग 4000 भारतीय जो विदेशों में फंसे हुए थे वापस भारत आए हैं. श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेनों के माध्यम से अब तक 5 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया है. अभी तक 468 विशेष ट्रेनें चल चुकी हैं, जिनमें से कल 10 मई को 101 ट्रेनें चली थी. As the Prime Minister will confer with the Chief Ministers today in the afternoon, there are a certain set of facts which they will have to take a hard look at. On one hand, the number of cases have crossed 65,000. On the other hand, the Indian economy has all but been demolished. The cost of each day of lockdown is about 30,000 crores. And so therefore, we wiped out 18 lakh crores from our GDP, from our economy in the last 50 days. To put it into context, the total budget of the Government of India for the fiscal 2021 is 30,42,000 crores. So therefore, the number which we need to really look at is the number of fatalities and whether in the last 50 days we've been able to ramp up our hospital infrastructure in order to deal with those cases which would require critical care and would require ventilator support. Because the way the disease is progressing, I would not be surprised that the number may touch 100,000 by the 17th of May. And so therefore, the lockdown is completely and absolutely unsustainable. It has not been able to break the chain of infection. इसमें एक बात अभी तक जो ऑलमोस्ट जो दुनिया में रिकॉर्ड बना वो था जब 5 करोड़ यूजर्स इसमें आए और उस वक्त ये दुनिया का सबसे तेजी से 5 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने वाला ऐप बना. अब इसमें 9.8 करोड़ लोग इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं और कुछ ही देर में ये शायद 10 करोड़ यूजर्स तक भी पहुंचेगा. और इस ऐप को पहले शुरू किया गया एंड्रॉयड सिस्टम और एप्पल में iOS सिस्टम के ऊपर. और अब इसको जो जियो के जो फोन हैं जो कि
फीचर फोन जाने जाते हैं, स्मार्ट फीचर फोन्स, उस पर एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस पर भी ये ऐप तैयार कर लिया गया है और शायद कल से ये उन फोन्स पर भी उपलब्ध हो जाएगा। तो इसमें प्राइवेसी फर्स्ट डिजाइन इसमें रखा गया कि प्राइवेसी को बिल्कुल प्राइवेसी को ध्यान में रखकर ये ऐप बनाया गया। और इसके अलावा हर तरह की जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो सभी तक पहुंचे, उसके लिए भी हम इस ऐप का उपयोग करते हैं। How is the United States helping India medically, if you talk about handling COVID-19 and the pandemic? The United States government has been cooperative with us. We are in close touch with them. Whatever permissions, etc., were needed and whatever facilities we required, they have provided. You have touched a very interesting point. That is about the cooperation between India and United States on the medical side. Now, this has been forthcoming. It is much deeper than what people know about. In fact, both ICMR and here CDC and NIH have been collaborating for a number of years. And in fact, about 2 or 3 years back, we together developed a vaccine for another virus. It's called rotavirus. It has helped not only in India, in United States, many other countries. So this time around too, there is close cooperation, exchange of information, plus, as I said, collaboration. There are at least 3 vaccines on which Indian companies and the United States companies are working together. Besides that, we are an important part of the supply chain. And this particular crisis has certainly shown to United States, if not the world over, that India is a reliable partner. Whatever assistance they required in terms of the supply chain, India has been able to fulfill that. And this has been acknowledged by the highest level in the US government, but also at the people level. Thank you.
Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.